बॉलीवुड फिल्म पद्मावती को लेकर रोज नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। कुछ जातीय संगठन देश भर में फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी दे डाली है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, राजपूत महिलाओं पर कभी हाथ नहीं उठाते, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम दीपिका के साथ वही करेंगे जो लक्ष्मण ने शूर्पनखा के साथ किया था। इस बीच यूपी में राजपूत करणी सेना के लोकेंद्र सिंह कलवी ने कहा, यदि फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हुई तो लाखों लोग इसके विरोध में जमा होंगे। हमारे पूर्वजों ने खून से इतिहास लिखा है, हम किसी को इस पर कालिख नहीं पोतने देंगे। हम 11 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की रिलीज रोकने के लिए हम सिनेमा घरों के मालिकों और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खून की चिट्ठी लिखेंगे। फिल्म पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी के बीच ड्रीम सीक्वेंस को लेकर विवाद था, जिस पर मेकर्स की ओर से सफाई आ चुकी है। भंसाली ने हाल ही में सोशल मीडिया में एक बार फिर कहा कि फिल्म में इस तरह का कोई सीक्वेंस नहीं है, ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होनी है। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।